नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग जो है आज एक नए टॉपिक जो कि राज्य व्यवस्था से संबंधित है, पॉलिटी की आज पहली क्लास हम ले रहे हैं। और हमने आपको बताया है कि जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि कोई चीज़ रटने से नहीं आती, समझना पड़ता है। अगर आपको किसी भी चीज़ का बेस पता है, अगर बेस आप जान लेंगे तो वो चीज़ समझने में आपको आसानी हो जाएगी, चाहे वो मैथ की हो, चाहे रीजनिंग की हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी, चाहे जो हो, अगर आप उसका बेस समझ लेंगे तो आपको आ जाएगा। तो आज हम चलिए समझते हैं कि राज व्यवस्था बेस क्या है। बेस का मतलब ये हुआ कि भाई राज व्यवस्था नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, राज प्लस व्यवस्था मतलब कि राज करने की व्यवस्था, राज करने की व्यवस्था ही क्या कहलाती है, राज व्यवस्था कहलाती है। अब अगर राज करना है तो राज करने का मतलब ये है कि मान लीजिए हम आपको राजा बना देंगे, राजा बना देंगे तो आप जो है क्या करेंगे। अगर आप कोई उसका नियम नहीं बनाएंगे कि हाँ हम पहले जो है सड़क बनवाएंगे, फिर बिजली की व्यवस्था उत्पन्न करेंगे, फिर पढ़ाई देखेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, जब तक आप उसका क्रम नहीं बनाएंगे तब तक आप कैसे पूरा जो है काम अपना पूरा कर लेंगे। तो इसीलिए राज करने के लिए ही एक नियम बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है। और जो नियम और कानून बनाया जाता है वहीं से शुरू होता है क्या, संविधान। और संविधान का मतलब हुआ कि सम और प्लस विधान। सम का मतलब हुआ समान और प्लस विधान का मतलब हुआ नियम या कानून। ठीक, तो मतलब समान कानून या समान नियम जो बनाया जाता है वो हमारा संविधान के अंतर्गत बनाता है। और संविधान यानी कि कानून क्यों बनाया जाता है, राज करने के लिए बनाया जाता है, तो वही चीज है। इसीलिए हमको जो है संविधान बनाने की जरूरत पड़ी। और संविधान के तीन महत्वपूर्ण अंग हैं, कितने अंग हैं, तीन अंग हैं, जिसमें से पहला अंग आपका है कि विधायिका, दूसरा है आपका कार्यपालिका, तीसरा है आपका न्यायपालिका। मतलब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सबसे पहली चीज तो कोई कानून बनाएगा तो कानून बनाने वाला काम कौन करता है, कानून को बनाएगा कौन, विधायिका कानून बनाएगा। ठीक, एक व्यक्ति होगा जो कानून का निर्माण करेगा, फिर कुछ लोग होंगे जो कानून को लागू करवाएंगे, अर्थात कार्यपालिका का काम होता है कानून को चलवाना या लागू करवाना। वही भाई इंसान ही है, कानून बना रही है, उनके अंदर भी मोह आ सकता है, लोभ आ सकता है, इसीलिए कानून का पुनर्विचार या पुनरावलोकन भी किया जाता है कि आपने जो कानून बनाया क्या वो कानून सही है, नहीं सही है, तो नहीं सही है तो फिर वो कानून नहीं लागू होगा। तो ये चीज कौन करता है, न्यायपालिका कानून का पुनर्वलोकन करता है। कानून का पुनर्वलोकन कौन करता है, कानून का पुनर्वलोकन जो करता है वो हमारी क्या करता, कौन करती है, न्यायपालिका करती है। इसके बाद अगला जो आता है हमारा कि ये तो हमारा हो गया कि संविधान क्या है, हमने बता दिया। अब भारत में जो है संविधान कैसे हुआ, सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का बना था जो कि 1787 ईस्वी में बना था। ठीक, तो हम लोग चूंकि भारत की राज व्यवस्था पढ़ेंगे तो भारत की राज व्यवस्था कहाँ से शुरू होती है, हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, छोटे छोटे जो उसके बीज उगे, पौधे, पेड़ बने, पौधे बने, पौधे से फिर पेड़ बने, पेड़ से आज विशाल संविधान हमारा बन गया, तो हम पूरी चर्चा करेंगे। और यहाँ तक हम, अगर आप ये दो क्लास में लूंगा बेसिक की, अगर ये दोनों क्लास आप देख लेते हैं तो फिर कहीं भी कोई समस्या नहीं बनेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चूंकि अगर आपको पता हो तो 1600 ईस्वी में एक चार्टर एक्ट आया था।
1600 ईस्वी में एक चार्टर एक्ट आया था जिसके अंतर्गत मर्चेंट एडवेंचर नाम का एक ग्रुप हुआ करता था जो कि महारानी एलिजाबेथ से 15 वर्षों तक स्वतंत्र शासन या स्वतंत्र एकाधिकार, मतलब कि पूरा जो है पूरे भारत पर जो व्यापार का एकाधिकार है वो लेकर के आया था कौन, मर्चेंट एडवेंचर नाम का एक ग्रुप था, व्यापारी था, जो किसकी स्थापना करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करता है। ठीक, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत। तो अब देखिए होता क्या है कि अगर हम बात करें तो भारत में जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने सबसे पहला अंग्रेज भारत में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज जॉन मिल्डेना हॉल था, ठीक, जो कि अकबर के समय में आया था। और वहीं अगर हम अकबर के दरबार की बात करें तो अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज जो था वो राल्फ फिंच था। तो होता क्या है कि जो हमारा अंग्रेज जो थे, अंग्रेज का जो विस्तार हुआ वो हमारे बंगाल से शुरू होता है। कहां से? बंगाल से शुरू होता है। तो बंगाल में 1700 ईस्वी में एक मुगल शासक था मुर्शीद कुली खान, जो कि स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। क्या? बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है और बंगाल की राजधानी ढाका को बना देता है। और चूंकि बंगाल को का स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है इसीलिए ये बनता है फर्स्ट नवाब। बंगाल का पहला नवाब बनता है मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान बंगाल का पहला नवाब बनता है, 1700 ईस्वी में बनता है। इसी के बाद देखिए, इसी के बाद जो है जो अगला नवाब बनता है वो हमारा बनता है सुजाउद्दीन। कौन बनता है? सुजाउद्दीन। ये 1739 तक रहता है। 1739 में एक नवाब बनता है, क्या? सुजाउद्दीन बनता है, जो कि एक वर्ष के लिए बनता है, अर्थात 1740। तो सेकेंड नवाब हमारा बनता है वो बनता है सुजाउद्दीन। इसी के बाद सुजाउद्दीन के बाद जो तीसरा सुल्तान बनता है वो बनता है सरफराज खान। ये जो है जो बनता है ये 1717 ईस्वी से 1739 तक बनता है। और सरफराज खान जो था ये हमारा एक वर्ष के लिए बनता है। ठीक, जो अगला नवाब था अर्थात थर्ड नवाब, तो थर्ड नवाब कौन बनता है? सरफराज खान बनता है। अभी आप केवल जानिए कि कौन कौन शासन कर रहा था, किस प्रकार जो है हमारे संविधान की मांग उठी, किस प्रकार से हमारा संविधान बनना शुरू हुआ। सबसे पहली चीज तो जो बंगाल का पहला नवाब था मुर्शीद कुली खान, उसके बाद बनता है सुजाउद्दीन दूसरा नवाब, उसके बाद बनता है सरफराज खान तीसरा नवाब, इसी के बाद एक अगला नवाब बन के आता है अली वर्दी खान। 1740 ईस्वी में बंगाल का अगला नवाब बन के आता है फोर्थ अली वर्दी खान। और अली वर्दी खान ने ही अंग्रेजों को मधुमक्खी की तरह बताया था, अंग्रेजों को मधुमक्खियों की तरह बताया था कि अंग्रेज जो है एक शहद देने वाली मधुमक्खी की तरह है, कि अगर उनको आप परेशान नहीं करेंगे, उनके पक्ष में रहेंगे तो वो आपको मीठा मीठा शहद देंगी, लेकिन अगर आप उनको परेशान करेंगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, आपको काटेंगे। तो वो चीज है, किसने कहा था? अली वर्दी खान ने कहा था, क्योंकि अली वर्दी खान जो है अंग्रेजों की जो मतलब कि अंग्रेजों की जो मनोकामना थी उसको जो है यह जान गया था, और इसने जो है अंग्रेजों को क्या कहा था, मधुमक्खी के बीच की तरह बताया था, मधुमक्खी की तरह बताया था। इसके बाद अगला जो नवाब बन के आता है सिराजुद्दौला। 1757 ईस्वी में 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला अगला नवाब बन करके आता है। और आप लोग जानते होंगे कि
काल कोठरी नाम की जो घटना हुई थी, काली घटना, वो सिराज-उद-दौला के समय में ही हुई थी। वहीं अगर हम बात करें तो भारत का जो है एक महत्वपूर्ण युद्ध जिसको प्लासी का युद्ध कहते हैं, वो भी सिराज-उद-दौला के समय ही हुआ था। होता क्या है कि अंग्रेज और फ्रांसीसी जो थे वो इसके जो जो कि ये कलकत्ता में था, ठीक, बंगाल जो था वो कलकत्ता का था, तो अंग्रेज जो थे वो कलकत्ता और फ्रांसीसी जो थे वो चंडीगढ़, दो चीजें कलकत्ता और चंडीगढ़। तो अंग्रेज कलकत्ता की और फ्रांसीसी चंडीगढ़ की किले की घेराबंदी करना शुरू कर देते हैं, ठीक। तो जब किले बंदी करना शुरू कर देते हैं तो सुजाओ सिराज-उद-दौला जो था वो बोलता है, वार्निंग देता है कि आप लोग संभल जाइए, अपना काम कीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन नहीं मानते ये दोनों लोग, तो इसीलिए सिराज-उद-दौला गुस्से में आकर के कलकत्ता के कासिम बाजार पर अधिकार कर लेता है, ठीक। और जो अंग्रेजों का किला था, ठीक, अंग्रेजों का जो किला था, अंग्रेजों के किले पर भी जो है ये अधिकार कर लेता है, जिसका नाम था फोर्ट विलियम। तो अंग्रेजों के किले फोर्ट विलियम और कासिम बाजार पर सिराज-उद-दौला अधिकार कर लेता है। इसी के बाद चूंकि ये 1756 ईस्वी की घटना है, 1756 ईस्वी की घटना है, इसी समय 1756 ईस्वी में ही 20 जून 1756 में एक घटना होती है जिसको काल कोठरी की घटना कहते हैं। इसमें क्या होता है, 146 अंग्रेजों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, 146 अंग्रेजों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, और जो कमरा था वो 18x15 का था, और 2 दिन तक इनको इसी में बंद करके रख दिया जाता है, जिसकी वजह से 123 अंग्रेज मर जाते हैं और सिर्फ 23 अंग्रेज जीवित बचते हैं। और जो 23 अंग्रेज जीवित बचते हैं, इसी में से एक अंग्रेज था जिसका नाम था कि विलियम हार्वेल, इसी में से एक अंग्रेज था जिसका नाम था विलियम हार्वेल नाम का एक अंग्रेज था जो कि जीवित बच जाता है, और इसी ने जो है काल कोठरी की घटना को लिखा था। तो क्वेश्चन अगर बने कि काल कोठरी की घटना को लिखा किसने था, तो विलियम हार्वेल ने जो है काल कोठरी की घटना को लिखा था। इसी के बाद विलियम हार्वेल ने ही इस घटना को लिखा था। तो जब ये घटना अंग्रेजों के पास पता चलती है तो 1757 ईस्वी में बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल बन के आता है लॉर्ड क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बन के आता है लॉर्ड क्लाइव। अब बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, क्वेश्चन यहीं से आपका बन गया कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो लॉर्ड क्लाइव था, 1757 ईस्वी में आता है। इसी समय 1757 ईस्वी में ही एक प्रसिद्ध युद्ध होता है जिसका नाम था प्लासी का युद्ध। और प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच में होता है, सिराज-उद-दौला और लॉर्ड क्लाइव। सबसे छोटे समय तक, मतलब सबसे कम समय तक लड़ा गया युद्ध था ये, डेढ़ घंटे में जो है इसमें हार और जीत का फैसला हो गया था। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो पॉलिटी की क्लास है लेकिन आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। हमने क्या कहा कि हम चूंकि जमीन से लेके चल रहे हैं कि पॉलिटी का जो धीरे धीरे उदय हुआ वो कहां से हुआ, वो चीज मैं बता रहा हूं। तो अभी अंग्रेज अपना पैर जमाने वाले हैं, जमा रहे हैं अभी, तो
लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध होता है, जिसमें लॉर्ड क्लाइव जीत जाता है, सिराजुद्दौला हार जाता है। सिराजुद्दौला के हारने का कारण जो था गद्दार थे। इसका सेनापति जो था जिसका नाम था इसका सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर, मीर जाफर और राय दुर्लभ, मीर जाफर और राय दुर्लभ जो है इसके गद्दार सेनापति थे, जो युद्ध के समय जो है अंग्रेजों से मिल जाते हैं और सिराजुद्दौला युद्ध हार जाता है। और जब लॉर्ड क्लाइव युद्ध जीत जाता है तो अगला जो नवाब बनता है बंगाल का, वो अगला नवाब बना दिया जाता है किसको, मीर जाफर को। तो बंगाल का जो अगला नवाब बनता है वो कौन बनता है, मीर जाफर बनता है। तो अगला नवाब यानी कि 1757 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में अगला नवाब बन के आता है मीर जाफर। और 1757 ईस्वी से लेकर के 1760 ईस्वी तक ये नवाब रहता है। इसके बाद फिर अगला नवाब बन जाता है मीर कासिम। अगला नवाब मीर कासिम बन जाता है और 1760 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक, 1760 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक अगला नवाब बन के रहता है मीर कासिम। हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं अंग्रेज कैसे अपना पैर जमाते हैं। प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध आपने देखा, ठीक। प्लासी का युद्ध के बाद फिर आप लोग आगे देखेंगे बक्सर का युद्ध, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि जो अंग्रेज थे इलाहाबाद की संधि होगी, इलाहाबाद की संधि होने के बाद फिर जो है अगला नवाब बन के आएगा बंगाल का, जो गवर्नर बन के आता है वो 1772 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में वारेन हास्टिंग नाम का आता है गवर्नर बनकर के, ठीक। तो वहां से आपकी पॉलिटी का बेस बनता है। तो चलिए हम देखते हैं आगे कि मीर कासिम बनता है 1760 से 1763 ईस्वी तक। उसके बाद 1760 ईस्वी से लेकर के 1763 ईस्वी तक मीर कासिम बनता है। और यहीं पर इसी के समय में क्या होता है, ठीक। तो हमने क्या बताया कि मीर कासिम जो था अगला नवाब बनकर के आता है और ये अंग्रेजों के खिलाफ एक रणनीति बना रहा था, अंग्रेजों के खिलाफ एक रणनीति बना रहा था। जब इसका पता अंग्रेजों को चलता है तो अंग्रेजों ने फिर से जो है मीर जाफर को अपना नवाब बना दिया। अंग्रेजों ने फिर से इसको मीर जाफर को अपना नवाब बना दिया। और 63 से लेकर के आगे 65 ईस्वी तक, यानी कि 1763 से लेकर के 1765 तक जो अगला नवाब रहता है वो हमारा कौन रहता है, वो हमारा मीर जाफर बनता है, ठीक। इसी के बाद 1764 ईस्वी में होता है बक्सर का युद्ध, ठीक। 1764 ईस्वी में होता है बक्सर का युद्ध। तो अपने कल की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बक्सर का युद्ध क्या था, और बक्सर का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जहां से अंग्रेजों की भारत में पूरी तरह से नींव मजबूत हो चुकी थी, अंग्रेज भारत में पूरी तरीके से जम चुके थे। उसी के बाद भारत पर द्वैत शासन लगता है। 1772 ईस्वी में अगला नवाब बन के आता है, उसी के बाद द्वैत शासन खत्म होता है। 1773 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना होगा हमारे अगले वीडियो का। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।